गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक केस की सुनवाई के दौरान जज और वकील में हो गई लड़ाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अदालत में हुए विवाद को लेकर पुलिस ने जहां अधिवक्ता नाहर सिंह और उनके बेटे सहित करीब 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, वहीं अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किए जाने और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों और जिला जज के तबादले की मांग उठाई। देखिए एक रिपोर्ट। उनसे नहीं बोलना था तो गया नुकसान होगा। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेन सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 के तहत कायम हुआ थाना कवि नगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था, जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 के लगभग DJ साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेन सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहां चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई, मना होने पर वहां पे अग्रेसिव होके वहां अटक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली DJ साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, DJ साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स DJ साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहां पे जो चौकी पे मौजूद सामान फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिए जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा